देखो मैं एक चीज जानता हूँ, जैसे हमारे मोदी जी से आज की डेट में जो अब है ऐसा प्रधानमंत्री शायद कभी आए। मैच करवा दिया जिसने, अभी मैच करवा दिया है, नहीं मैच करवा दिया, इतना पनौती प्रधानमंत्री है, इतना पनौती सारा मैच करवा दिया, वहाँ पहुंच गया साथ में ओवर पे, असाला एक भी आउट ना हुआ, फिर ना पहुंचता आउट हो जाते हुए हानू जाकर वो बैठगा। आस्था इतनी है, कोई शास्त्र का कुछ पता है आपको? बताइए कुछ 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 सुना सकते हो आप? तुम चलिए विष्णु जी के। ओम भूत भूष्य तस्मै वितरणम् भगवतीश्वर भगवतीश्वर धीमहि। भगवान नाराज हो जाएंगे, भगवान नाराज हो जाएंगे। राम जी कहते ना ऐसा करो, नहीं कहते ना फिर क्यों पिया तुम तो भक्तो, बिल्कुल समान वाली, ठीक है ना? है मत करे, हाँ ऐसी व्यवस्था करे। और जिसने जिंदगी में कभी पाप ना करो हो वो हाथ उठा दो। चलो तो फिर ना करा ले, हमने ना करा, उठाइए, हमने ना करा ले, उठा दिए ले। ये बेपहंदी के लोटे हैं, कभी गंगा जी में खुद कहते हैं गंगा जी में पाप धुलते हैं, आज चले गए तो नु कह रहे पापी आप ही हो, फिर गंगा का भी खोल लगती है भाई वो, जब पाप धोती है वो। राम मंदिर एक मुद्दा बना हुआ था, राम मंदिर से फायदा हुआ भैया? मुझे तो नहीं हुआ, इनको हुआ होगा, ये जाके घंटे बजाएंगे वहाँ। हमारे लिए तो स्कूल, हमारे लिए तो स्कूल बना दिया होता तो हम पढ़ने चले जाते, हमारे बच्चे पढ़ने चले जाते। सुनो एक मिनट, राम और बाप है, सुनो घंटा मत मत बोलो, मत बोलो घंटा मत बोलो, भगवान है, भगवान है, घंटा मत बोलो। अच्छा भगवान है, सुनो घंटा मत बोलो, भगवान है, हाँ सुनो भगवान है ना। सुनो आप अगर वहाँ जाओ, सुनो सुनो सुनो, वहाँ जाओगे आप, वहाँ चलो ठीक है मैं मानता हूँ भगवान, हाँ आप वहाँ जाओगे, आप जाओगे, आप वहाँ क्या कह के भगवान को मनाओगे? कैसे क्या कह के भगवान को मनाओगे? मनाऊंगा नहीं, नहीं घंटी बजाओगे और भी कुछ तो बोलना पड़ेगा ना जो भगवान को मनाना पड़ेगा। कैसे मनाओगे, क्या कैसे मनाओगे ना ये तो बताओ। आपने कभी भगवान का नाम लिया नहीं दिया? मैंने आपने जिंदगी में कभी भी, आपके बड़े बूढ़े हो या आपकी माँ हो, कभी भगवान का नाम लिया नहीं दिया ये बताओ? मैंने तो इतना लिया है कि आपको भी नहीं लेना होगा उसका। तो फिर भगवान को मानते हो नहीं मानते हो? बिल्कुल मानता हूँ। मानते हो तो राम कहीं ना घंटे से मतलब नहीं है। मुझे स्कूल का घंटा चाहिए, मंदिर का घंटा नहीं चाहिए। मुझे स्कूल का घंटा चाहिए, मंदिर का घंटा नहीं चाहिए। मैं जवाब दूंगा। इन्होंने कहा स्कूल का घंटा चाहिए, स्कूल का घंटा सबसे पहले घंटा ना माँ देती है, बाप देता है, परिवार देता है, समझ गए? तो कहना ये मोदी जी ने स्कूल बनवाए हैं क्या? ये मेरे भाई सुन तो लो, जवाब उनका जवाब दो, आपके जवाब दूंगा मैं। अच्छा, रिपोर्ट जी आपका जवाब दूंगा। घंटा जो ना सबसे पहले माँ देती है, बाप देता है, परिवार देता है, ठीक है? आज कह रहा घंटा राम मंदिर का घंटा, सुनो जो आस्था जहाँ से हम लोग हैं, ठीक है, आस्था इतनी है, कोई शास्त्र का कुछ पता है आपको? बताइए बताइए कुछ 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 सुना सकते हो आप? एक तुम चलिए विष्णु जी के, विष्णु जी के, विष्णु जी की आरती कोई सुना दो, हनुमान चालीसा कोई सुना दो, सुना सकते हो आप? एक है भक्त हो, हमसे बड़े भक्त नहीं हो, ठीक है, हमसे बड़े भक्त नहीं हो, सुनाओ आप, अगर आपको सुना आपको आ रहा हो तो आपको आएगा? मैं नहीं हूँ, नहीं ये भक्त नहीं है, ये भक्त नहीं है, आप भक्त नहीं, ये मैं भक्त नहीं हूँ, मैं आंध भक्त नहीं हूँ। रिपोर्ट जी लेकिन मैं, मुझे इतना याद है कि मैं तुमसे ज्यादा भक्ति करता हूँ, ये ठीक है, तुमसे ज्यादा करता हूँ, लेकिन वो भक्ति नहीं चाहिए जिससे हम गुलाम हो, ठीक है, जिससे हमारा हम नीचे जाए, ठीक है, और जिससे हमें अंधविश्वास में ढेका जाए। सुनिए मेरी बात, इनके सुनिए, इनके अंदर भक्ति भी है, राम मंदिर भी नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे वो चीज, जहाँ भक्ति होगी वहाँ राम मंदिर होगा। मैं तो कर, मुझे मुझे राम मंदिर नहीं चाहिए, मुझे मुझे मंदिर नहीं, स्कूल चाहिए, स्कूल कॉलेज चाहिए, आईटी चाहिए, कॉलेज चाहिए, कॉलेज चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए हमें, ये राम मंदिर नहीं चाहिए। राम मंदिर हाँ बना, मुद्दा है, बना अच्छी बात है, लेकिन उसके बदले में उन्होंने किया क्या? शिक्षा के लिए कुछ किया उन्होंने? एक कॉलेज भी बनवा दिया था उसके नाम पर, बनवाया उन्होंने, वहाँ पर जाके भिखारी बढ़वा रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? जो हमारे बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? वो राम मंदिर में जाके बैठेंगे, भीख मांगेंगे जाके? अरे शिक्षा नहीं मिलेगी तो कैसे करेंगे हम? ये शिक्षा के प्रति नहीं बोलेंगे भैया, कहना है खाली भिखारियों का विकास हुआ राम मंदिर से। अब चालीसा पढ़वाओ भाई सबसे, गायत्री मंत्र सुना, भक्त बड़े सुना, मैं कहता हूँ इतने बड़े भक्त हो तो कोई कोई लाइन सुना दीजिए आप। जब इतने भक्त मैं बोले नहीं, मैं हूँ नहीं, तुम कह रहे हो मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, आप कैसे फिर ये राम मंदिर का मुद्दा कैसे ले आए आप? आप ये मुद्दा मत ले आइए, आप शिक्षा के प्रति लाइए, आप ये मुद्दा ना लिए। अगर आपको नहीं पता, ज्ञान नहीं पता, आपको कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं पता होगा, आपको कोई कोई गीता नहीं याद होगी, कोई हनुमान चालीसा नहीं होता है, कोई याद है, याद है, याद है, याद है, तुम्हें याद है, तुम्हें याद है, अरे हमें तुम्हें याद है, नहीं 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 याद है, याद है, ये धर्म से आज मुझे भावता है, मुझे नहीं याद है, सुना दे, ये कह रहे हैं कि मुझे, मैं सब तुमसे ज्यादा भक्त हूँ, ठीक है, सुना दो, मुझे नहीं याद है, आप आपको भक्त हो, इतने बड़े भक्त हो आप, घंटे के नाम पे आप किलस गए, आप सुना दो ना, आप सुनाइए, आप घंटे के नाम हनुमान चालीसा सुना दीजिए इनको।
अपनी भक्ति जो है ना सिद्ध कर। अरे ये तो गायत्री मंत्र सुना देंगे, अभी गायत्री मंत्र सुना दो, सबसे पावन सुना मंत्र होता है वो। ओम भूर्भुवः तस्मै भित्रम भगवतीश भगवत ये मैं, ठीक है भगवान नाराज हो जाएंगे, चलो भगवान नाराज हो जाएंगे जो सुना। चलो ठीक है, चलो ठीक है। एक सबसे आज पौआ पिया, क्या पिया पौआ पिया था, क्या पिया था पौआ पिया था, क्या पता। नशा करो, राम जी कहते हैं नशा करो, नहीं कहते ना, फिर क्यों पिया तुम तो भक्त हो, भक्त तुम भी हो, हम भी भक्त हैं। नहीं हम, मैं तो सुना दूंगा, गाय तुम सुनाओ, मुझे सुना दीजिए पहले ना। अरे आप भी भक्ति सिद्ध करिए। मैं तो भक्त ना हूँ, मैं भक्त नहीं हूँ। हमने तो कोशिश की गायत्री मंत्र की, कर लो ले लो, कह जो का हिंदू का मतलब, हिंदू का मतलब, अरे सुन जा, हिंदू का मतलब है ऊंच नीच, बस ऊंच नीच, ऊंच नीच, बहुत स्वागत नहीं ऊंच नीच। व्यवस्था ऐसी होती है, हमें व्यवस्था ऐसी चाहिए, पैरेलल बिल्कुल समान वाली, ठीक है ना। है मत करे, हाँ ऐसी व्यवस्था करे। और ओम भूर्भुवस्व तस्तवेतु वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमया बढ़िया हो गया। लेकिन मैं भक्त आगे, मैं इस मंत्र का भक्त ना हूँ, मैं इस मंत्र पे भी थूकता हूँ, हाँ इस मंत्र पे भी थूकता हूँ, थूक दिया ले, मंत्र पे थूक दिया। अब तुम सुनाओ, तुम भक्त हो, दोबारा सुना, किस चीज से भक्ति कर रहे हो, क्या होएगा राम मंदिर, अगर राम मंदिर बनाएगा ना तो भाई तेरे जैसे बच्चे निकलेंगे उसमें से, अगर यूनिवर्सिटी बनती ना तो बढ़िया। हाँ देखो मैं एक चीज जानता हूँ, जैसे हमारे मोदी जी से आज की डेट में जो अब हैं, ऐसा प्रधानमंत्री शायद कभी आए। मैं चरवा दिया जिसने अभी, मैं चरवा दिया है, नहीं मैं चरवा दिया, इतना पनौती प्रधानमंत्री है, इतना पनौती सारा मैं चरवा दिया। वहाँ पहुँच गया 60वें ओवर पे, और साला एक भी आउट ना हुआ, फिर ना पहुँचता आउट हो जाते हुए, हाँ नू जाकर नू बैठ गा, सीमा के अंदर नहीं घुस सकते। क्रिकेट एक मैच है, ये रखे नरेंद्र मोदी, इतना पनौती इंसान है, देश का फड्ड कर दिया और मैच फड्ड कर दिया। हाँ है हमारे देश का मोदी जी, जो है मोदी जी अच्छे हैं हमें भी पता है, मोदी जी अच्छे हैं हमें भी पता है, लेकिन काम भी तो कोई अच्छा बताइए ना, अच्छा काम तो बता दीजिए। देखो नीचे दल्ले जो काम कर रहे हैं उनसे हमें वो नहीं है, जो हमारे देश की जो शासन है, जो हमारे देश का राजा है बहुत ठीक है, मोदी जी के राजा है, हाँ अच्छे हाथों में है जो हमारे देश का प्रशासन है। क्या करा भाई साहब, एक दो चार अच्छे काम बनाओ ना, मोदी जी भगवान भी होंगे ना। तेरी भगवान तो आप भी नहीं हो ना मैं हूँ, लोग कहते हैं मोदी जी भगवान है, हर मोदी का भगवान कोई भी नहीं है, दो तीन हाथ है, क्या है वो, या चार टांग है, काम गिनवाओ यार, अच्छा कोई बात, तुम अच्छे हो, अच्छा तुम्हारी चौड़ी छाती है, तुम अच्छे हो, गैठे हो, बढ़िया ठुके हुए हो, वो किस बात का अच्छा है ये बताओ। एक बात बता, चलो हाथ उठा, जिसने जिंदगी में कभी पाप ना करो हो वो हाथ उठा दो, चलो तो फिर ना करा ले, हमने ना करा उठाइए, हाँ हमने ना करा ले उठा दिए ले, हाँ हाँ बताओ पापी, क्या क्या पाप कर लिया हमने, बता क्या पाप कर लिया, गंगा जी ना गाऊ सारे धोई जाऊ वही, हाँ रो धोका हूँ, हाँ सबसे बड़े पापी आप, ये बेपहंदी के लोटे हैं, कभी गंगा जी में खुद कहते हैं गंगा जी में पाप धुलते हैं, आज चले गए तो कह रहे पापी आप ही, फिर गंगा का खोल रखी है भाई, वो जब पाप धोती है वो, हमें मोदी जी के काम गिनवा दो, हम तो बहन देश का जो देश का राजा हमें अच्छा है, हमें अच्छा लगता है भाई, अच्छा क्यों है, यही तो जानना है यार, कोई लड़का देखना चाहते हैं हम बहन बेटियों के लिए, तो भैया देख रहे हैं भाई कुछ तो खासियत है, पढ़ा लिखा, अरे वही ला रहे हैं, पढ़ा लिखा है, गोरा चिट्टा है, कमाता कितना है, ऐसे ही दिखता अच्छा है। मोदी जी क्यों अच्छे हैं, थोड़ी ना घुस जाओगे, मोदी जी क्यों अच्छे हैं, काम बता दो, काम बता दो, काम बता दो यार, मोदी जी के काम बताओ यार, सारे आप, हम डिबेट करेंगे, नहीं नहीं ये सारे बताएंगे, धनपाल काम बताओ, सुन हाँ काम बताइए, धारा 370, अरे भैया ये काम नहीं है, 370 काम नहीं है, ठीक है धारा 370 का एक गलत फहमी भी दूर कर सकते हो, ये कहना बहन बेटियां सब आजाद घूम रही हैं, आपकी बहन बेटियों के साथ क्या हुआ है आपको पता है, आप एक बात बताइए, आप शादी शादी की डेट, शादी की उम्र 21 साल रखी गई, उससे आप खुश हो, खुश हो, और यही चीज
16 साल लड़की लिविंग रिलेशन में रह सकती है, उससे आप खुश हो? मतलब नहीं, नहीं खुश हो ना? ये सरकार ने लागू किया है। लागू किया? हाँ। अच्छा ये बात हो, सो ये भाई काम की ना दीजिए, मैं आपस काम के लिए वहाँ तो अच्छा हो गया। सुन तो भाई, आपके साथ एक धारा बहुत गंदी लगा दी गई है, आप वहाँ वो धारा अच्छी हो गई लेकिन ये धारा बहुत गंदी। अच्छा 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 ये बात हो, सुनो मैं ना इस कांग्रेस के खिलाफ हूँ ना इसके खिलाफ हूँ, लेकिन देखता हूँ जो काम इसने करा है। भाई मैंने आपका धारा 370 का निबंध बता दिया, लो एग्जांपल आपके साथ, वहाँ धारा 370 हटी, यहाँ तो आपके 16 साल आपकी बहन बेटियों के साथ 16 साल की उम्र में लिविंग रिलेशन में रहने की अनुमति दी गई सरकार को, आप बोल भी नहीं सकते, आपकी औकात नहीं है, आप बोल दो है? नहीं औकात नहीं है आपकी, बोल दो 16 साल की लिविंग में है। हाँ ये सरकार ने लागू किया, जाके जाके घर देख लियो, ठीक है? मेरे पास मैं जानता हूँ, आप जाके घर पे देखिए, ठीक है? कहने के नहीं लिखित प्रमाण। मेरा नाम ऋषि है। मोदी जी को दोबारा ला रहे हैं 24 में बदल जी? बिल्कुल बिल्कुल, हम लाएंगे और लाके रहेंगे। हाँ बिल्कुल, अरे है वो लाना क्या है, क्या क्या काम करें मोदी? इतिहास उठा के देख लो, अभी 9 साल का बताइए ना इतिहास। इतना सक्षम और ऐसा देश का प्रधानमंत्री को भी कोई आया हो या आएगा, उठा के देख लो इतिहास। आप क्या क्या काम करें मोदी जी ने 9 साल में वो तो बता दीजिए। इतिहास छोड़िए, आप बताइए, मजबूत इंसान कोई है? कैसे मजबूत? तिरकी दल धारा 370 धारा 370 अब तक किसी हटाया? धारा 370 1947 की बात है, किसी ने हटाया? अच्छी बात है, और बताइए ना काम हो गया, और बताइए राम मंदिर ये भी काम हो गया, और बताइए। ठीक है बस, ये दोनों ही काम में नहीं आते हैं, काम ही नहीं है कोई, काम नहीं है ये, काम नहीं है ये, काम नहीं है, ये काम है। सबसे बड़ा देश का मुद्दा यही था, मुद्दा है? इससे पहले तो मुद्दा था ही नहीं, इसके आने के बाद ही मुद्दा क्या, हुआ क्या, है। ये काम है क्या? काम ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा ये था। 370 हिंदुस्तान की अगर कोई बेटी, अगर कश्मीर की लड़की, 370 से फायदा क्या हुआ मुझे बताओ, फायदा क्या हुआ बताओ, वही बता रहा हूँ। 370 का फायदा ये हुआ कि कश्मीर की कोई बेटी है, अगर हिंदुस्तान किसी लड़के से शादी होती है, ठीक है, तो नागरिकता नहीं मिलेगी। पाकिस्तान किसी लड़के को अगर शादी हो जाती है तो वहाँ मिल गई ना, उनको नागरिकता मिल जाती है हिंदुस्तान की। ये नागरिक हिंदुस्तान के थे ही नहीं जम्मू कश्मीर के 370 से पहले, हैं? पाकिस्तानी थे क्या? मेरे भाई कश्मीर के तो थे ही, लेकिन उनको विवाह होने के बाद पाकिस्तान का कोई कर लेता है शादी, पाकिस्तान चले जाती थी लड़कियाँ पहले नहीं, यहीं रहती थी, लेकिन नागरिकता मिल जाती थी उन्हें। राम मंदिर से क्या फायदा, वो छोड़ दीजिए, मैंने काम मान लिया। राम मंदिर से क्या फायदा? राम मंदिर का सन 87 से 1887 अच्छा कंपनी से आ रहे हैं, आप उधर से ही मुझे साइड साइड करते हो रहे हैं। हाँ अच्छा, मोदी जी को दोबारा लेके आएंगे, बदलाव करेंगे? ओ भैया हमें ना मालूम, रद्दा है मोदी करे जो करे सो हमें ना मालूम। अच्छा नाराज लग रहे हैं मोदी जी से, खुश नहीं है? नहीं। 9 साल के कार्यकाल कैसे रहे आपके लिए मोदी जी के? कैसे 9 साल मतलब 9 साल कैसे रहे मोदी जी के? क्या कुछ अच्छा करा, कुछ अच्छा लगा हो आपको? आमतौर पे जनता के लिए कुछ अच्छा करा हो? भाई देखो, एक सरकारी नौकरी नहीं लग रही। अच्छा तो साले हमें तो उनसे बहुत नफरत है भाई, हमें तो बहुत नफरत है भाई। मोदी जी तो कह रहे 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार दे दिए, और क्या, अब इन्हें एक एक कोई सरकारी नौकरी, पहले पैदल चलते थे अब साइकिल पे आ गए, तो मोटरसाइकिल पे चलते थे बहन, जो हम साइकिल पे चल रहे हैं अब। अच्छा और क्या, इतनी महंगाई होगी मोदी जी के राज्य? और क्या, उनके राज्य में बहुत महंगाई होगी बता। लोग तो कह रहे कहाँ महंगाई होगी, देखिए सिलेंडर के दाम सस्ते कर। ठीक है भैया आपकी बात मानेंगे, क्या कह रहे हैं? 2024 के चुनाव है ना, इसलिए इंडिया गठबंधन को देख के ही दिया है 200 रुपए की सब्सिडी। अभी आप कह रहे थे कि लॉलीपॉप दे दिया जनता को, एक तरह से कैसे दे दिया लॉलीपॉप? अभी इतना खर्चा हो रहा है, G20 में सारा जनता से वसूल रहा है महंगाई, हर चीज सामान के, हर सामान। 9 साल कैसे रहे? 9 साल में बहुत परेशान रहे। परेशान कोई चीज़ तो रही, किस चीज़ से? मजदूर के परेशानी क्या है, रोजगार और महंगाई दो चीज होती है। कहाँ महंगाई, कहीं महंगाई नहीं है। महंगाई कहाँ है, जाके मार्केट में पता करो, हर सामान की महंगाई है, हर देश में महंगाई है। इंडिया में होगी तो क्या हुआ? इंडिया के लेवल से महंगाई ज्यादा है इस टाइम।
इंडिया में और पैदावार इंडिया में हो रहा है। इंडिया में कोई खेत नहीं है, यहाँ पे खेत है। क्या कह रहे हैं? इंडिया में खेत है, विदेश में खेत नहीं है। खेत तो हर जगह है लेकिन। अच्छा, मतलब मोदी जी को इस बार लेके आएंगे या नहीं लेके? उनको हमें नहीं चाहिए भैया। अच्छा, ना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं चाहिए? कारण क्या रहने वाला? तो कारण का वैसे जो कोई नौकरी नहीं लगा रही। अच्छा। सरकारी नौकरी सारी खत्म कर दी। अच्छा। आदमी को सारे जो रोजगार थे सारे खत्म हो गए। अच्छा। वो तो बस बस लेबर कानून में बस होएगा काम खत्म। अच्छा। यही तो बात हुई। अरे किसको लाना है मोदी जी? नहीं तो फिर है क्या हुआ बताइए? आप चुप हो गए, अभी तो आप गालियां दे रहे थे। गालियां हम नहीं देंगे भाई, गालियां क्यों देंगे? बड़े आदमी भैया, उसको गाली क्यों देंगे? किसको लाना है फिर मोदी जी? अरे एक बार फिर कांग्रेस को। कांग्रेस को? हाँ, कांग्रेस केंद्र में, कांग्रेस को एक बार चांस देना चाहिए। कांग्रेस को चांस देना चाहिए फिर। अच्छा, कांग्रेस 70 साल लूट के खा लिया। अरे लूट तो हर पार्टी लूट रहा है, कोई सा पार्टी स्वच्छ नहीं है। राम मंदिर की जो यूनिवर्सिटी चाहिए युवा की, हमने तो कोशिश भी करी। क्या सुनो, सुनो एक मिनट, सुनो आप सुनाओ। मंत्र